नमस्कार दोस्तों, आपने कभी ना कभी तीन लोक और 14 भुवनों के बारे में तो सुना ही होगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन तीन लोक और 14 भुवनों के बारे में। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंध के 5वें अध्याय में इस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 भुवनों या लोकों का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोक भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन हैं। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पावों में स्थित हैं। भूवरलोक इत्यादि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित हैं और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा ऋषियों मुनियों द्वारा निवसित हैं, वे भगवान के वक्षस्थल में स्थित हैं। विष्णु पुराण के अनुसार 6 ऊर्ध्वलोक होते हैं और 7 अधोलोक होते हैं और 1 मृत्यु लोक होता है। इन ऊर्ध्वलोक और अधोलोक और इन दोनों के बीच स्थित भूलोक को मिलाकर ही तीन लोक कहा जाता है। भूलोक को छोड़कर अन्य दो लोक कई भागों में विभाजित रहते हैं। आइए जानते हैं कि ऊर्ध्वलोक में कौन कौन से लोक आते हैं। एक सत्यलोक, सर्वोच्च ग्रह सत्यलोक या ब्रह्मलोक है, जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रमुख व्यक्ति भगवान ब्रह्मा रहते हैं। उस सत्यलोक में न तो शोक है, न बुढ़ापा और न ही मृत्यु। किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं है और इसलिए कोई चिंता नहीं है, सिवाय इसके कि कभी कभी चेतना के कारण भक्ति सेवा की प्रक्रिया से अनजान लोगों के लिए दया की भावना होती है, जो भौतिक दुनिया में नायाब दुखों के अधीन है। दो तपलोक, सत्यलोक के बाद तपलोक आता है। तपोलोक का अर्थ है जिन्होंने यहाँ कठोर तपस्या की है, इसलिए उन्हें वहाँ तपोलोक में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तीन जनलोक, तपलोक के बाद जनलोक आता है। महान संत व्यक्ति मरने के बाद जनलोक या महरलोक जाते हैं। अच्छाई वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसी उच्च लोक प्रणालियों को प्राप्त करता है और वहाँ ईश्वरीय सुख का आनंद लेता है। विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के ग्रह होते हैं। जो लोग सत्वगुण में मरते हैं वे उन लोकों में पहुंच जाते हैं जहां महान संत और महान भक्त रहते हैं। चार महर लोक, जनलोक के बाद महर लोक आता है। भृगु और अन्य शुद्ध संत रहते हैं। यह ग्रह उन संतों के लिए भी पूजनीय है जो दिव्य रूप से स्थित हैं। पांच स्वर्ग लोक, ये महर लोक के बाद आता है। स्वर्ग लोक में इंद्र और अन्य देवता निवास करते हैं। 6 भुवर लोक, पृथ्वी और सूर्य के बीच के स्थान को भुवर लोक कहते हैं। यहाँ अंतरिक्ष के प्राणी निवास करते हैं। 7 भूर लोक, जिस ग्रह मंडल में हम रह रहे हैं उसे भूर लोक कहा जाता है, इसलिए इसे सांसारिक ग्रह कहा जाता है। यहाँ मनुष्यों के साथ साथ 84 लाख योनियों के जीव निवास करते हैं। 7 अधोलोक, यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, अतः काल दिन या रात में विभाजित नहीं है, जिसके फलस्वरूप काल से उत्पन्न भय नहीं रहता है। 1 अतल, मय दानव का पुत्र बल नाम का असुर यहाँ रहता है, जिसने 96 प्रकार की माया रच रखी है। कुछ तथाकथित योगी तथा स्वामी आज भी लोगों को ठगने के लिए इस माया का प्रयोग करते हैं। 2 वितल, सोने की खानों के स्वामी भगवान शिव अपने गणों, भूतों तथा ऐसे ही अन्य जीवों के साथ रहते हैं। 3 सुतल, महाराज विरोचन के पुत्र महाराज बलि आज भी श्री भगवान की आराधना करते हुए निवास करते हैं तथा भगवान विष्णु महाराज बलि के द्वार पर गदा धारण किए खड़े रहते हैं। 4 तलातल, यह मय दानव द्वारा शासित है, जो समस्त मायावियों के स्वामी के रूप में विख्यात है। 5 महातल, यह सदैव क्रुद्ध रहने वाले अनेक फनों वाले कदरू की सर्प संतानों का आवास है, जिनमें कुहक, तक्षक, कालिया तथा सुषेण प्रमुख हैं। 6 रसातल, यह दिति तथा दनु के आसुरी पुत्रों का निवास है, ये पणि, निवातकवच, काले तथा हिरण्यपुरवासी कहलाते हैं। ये देवताओं के शत्रु हैं और सर्पों की भांति बिलों में रहते हैं। 7 पाताल, यहाँ अनेक आसुरी सर्प तथा नागलोक के स्वामी रहते हैं, जिनमें वासुकी प्रमुख है, जिनमें से कुछ के 5, 7, 10, 100 और अन्यों के 1000 फन होते हैं। इन फनों में बहुमूल्य मणियाँ सुशोभित हैं, जिनसे अत्यंत तेज प्रकाश निकलता है। पाताल लोक के मूल में भगवान अनंत अथवा विष्णु निवास करते हैं, जो सदैव दिव्य पद पर आसीन हैं तथा इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए रहते हैं। भगवान अनंत सभी बद्ध जीवों के अहम तथा तमोगुण के प्रमुख देवता हैं।
प्रत्येक लोक का अपना एक विशेष वायुमंडल होता है, और यदि कोई भौतिक ब्रह्मांड के अंतर्गत किसी विशेष लोक की यात्रा करना चाहता है तो उस व्यक्ति को उस लोक विशेष के अनुसार अपने शरीर को अनुकूल बनाना होता है। भौतिक ब्रह्मांड के इन उच्चतर लोकों में जाने के लिए मनुष्य को मन तथा बुद्धि अर्थात सूक्ष्म शरीर को त्यागना नहीं पड़ता, उसे केवल पृथ्वी, जल, अग्नि इत्यादि से बने स्थूल शरीर को ही त्यागना होता है। लेकिन जब मनुष्य दिव्य लोक को जाता है तो उसे स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों को बदलना पड़ता है, क्योंकि परवियों में आध्यात्मिक रूप में ही पहुंचना होता है। हमें मन के वेग का सीमित अनुभव है, बुद्धि इससे भी सूक्ष्म है, लेकिन आत्मा तो बुद्धि की अपेक्षा लाखों गुना सूक्ष्म तथा शक्तिशाली होती है, तथा आत्मा अपनी खुद की शक्ति से एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा करती है, न कि किसी प्रकार के भौतिक यान की सहायता से। एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा का अंत भगवान के परम लोक पहुंचने पर ही हो सकता है, जहां जीवन शाश्वत है और ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मृत्यु का चक्कर लगा रहता है, किंतु जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता, अर्थात वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो चलिए मित्रों, आज की इस प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं, और यदि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद। हर हर महादेव।